अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी होस्ट लुबना अफरीदी। और आज आप लोगों के साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, अगर मैं कोई गलत बात कर रही हूँ, तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मत समझिएगा कि मुझे काउंटर कर रहे हैं तो मुझे बुरा लगेगा, नहीं। आप लोगों के कमेंट से ही भी और बेहतरी आ सकती है। चलिए जी, आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं आज उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा हाइप है। हाइप मतलब यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं, उसको एडवर्टाइज़ करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ इन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं, क्या वो वाकई इसको यूज़ करते हैं? क्या उन्होंने इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है और उसका क्या रिज़ल्ट आया है? और जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जैसा वो लोग वीडियो में बताते हैं, क्या ये वाकई वैसा रिज़ल्ट देते हैं या नहीं देते? तो उसी पे आज हम बात करेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है और उनका मैं रिव्यू देना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशंस नहीं हैं, ये मेरा अपने पर्सनल रिव्यूज़ हैं और जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, जो मैंने खुद इन प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज़ किया है, इनका रिज़ल्ट देखा है। तो सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और आप लोगों को भी इनका रिज़ल्ट बताऊं, क्योंकि किसी के हराम के पैसे नहीं हैं, सब मेहनत से कमाते हैं, और फालतू चीज़ों में अगर पैसे खर्च कर दिए जाएं तो बड़ा ही दुख होता है। तो इसीलिए कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किए हुए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूवेंसी का सेरम। हर सेलिब्रिटी ने इसको इंडोर्स किया है, इसके कमेंट्स किए हैं, इसका रिव्यू दिया है। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने इनको रिव्यू किया है, या बाकी उन्होंने कभी इस सिरम को यूज़ किया है, जो हमें इसको यूज़ करने का कह रहे हैं, कि वाकई जो रिज़ल्ट आपने बताया है, वाकई वो ये रिज़ल्ट देते हैं या नहीं देते हैं? मेरा सवाल ये है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सेलिब्रिटी ने इसको यूज़ किया हो, कभी भी ये लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो लोकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो मैंने इस सिरम को यूज़ किया। पहली बात तो ये है कि इस सिरम को जो है, मैं जो मार्क्स दूंगी वो दूंगी 6 out of 10। जी हाँ, मैं इसको 6 दूंगी, क्योंकि एज सच बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट नहीं देता ये। हाँ, ये कुछ बेहतर यानी जस्ट वो ही आपको रिज़ल्ट देता है, जो कि 6 में इसको मार्क्स दूंगी। लेकिन जिस हिसाब से जो जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसको इंडोर्स करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वैसा रिज़ल्ट ही हल्के से ही मिलते हैं। तो काइंडली अगर आप लोग इसको लेना चाहें, यूज़ करना चाहें, तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 6 से ज़्यादा मैं इसको मार्क्स नहीं दूँगी। तो आप लोग इसको लेके यूज़ करने से पहले देख लीजिएगा। अच्छा जी, सेकेंड जो है ये मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये मॉइस्चराइज़र आई थिंक यमुना ज़ैदी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये लोकल प्रोडक्ट है, और मैं इस प्रोडक्ट को दूंगी 7 out of 10। हाँ, कम बजट में जिस हिसाब से इसके प्राइस हैं, उस हिसाब से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप लोग इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट अच्छा है, पैसों के हिसाब से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं ले सकते, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट अच्छा है, इसके प्राइसेस भी अच्छे हैं। अच्छा जी, सेकेंड विंसी का ही ये मॉइस्चराइज़र, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र। अच्छा, मैं इसको जिनकी सेंसिटिव स्किन है ना, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र जिनकी स्किन बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन फिर भी उनकी स्किन ड्राई होती है, तो मैं कहूँगी कि आप लोग ये ज़रूर यूज़ करें। हाँ, मैं विंसी के इस प्रोडक्ट को ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, स्पेशली अभी विंटर्स आ रहे हैं, ड्राई वेदर में ये इसका मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है ना, ये बहुत अच्छी है। तो इसको हाँ, और ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने किसी को इसको इंडोर्स करते नहीं देखा, इसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने बहुत कम देखी, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट है सही है, इनका ऑयल फ्री सनब्लॉक। मैंने इसको यूज़ किया है और मुझे इसके बाद एक्ने हुई है। जी हाँ, मेरी एक्नी पहले मुझे एक्नी रहेगी, लेकिन वो क्लियर हो रही, लेकिन इसके यूज़ करने के बाद मुझे एक्नी प्रॉब्लम हो रही है। तो काइंडली जो इसको यूज़ करें, तो पहले आप यूज़
करके देख रही हूँ कि मुझे इसको एक्ने का प्रॉब्लम है, जिस हिसाब से हाइप क्रिएट की गई है मुझे ऐसा जिसका रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मुझे एक्ने, हाँ वाइट कास्ट नहीं देता ये और ये एब्जॉर्ब अच्छा हो जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक्ने प्रॉब्लम हुई इसको यूज़ करने के बाद। तो जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको यूज़ करने से पहले सोच लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद कर्सी स्किन वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसको ख़रीदने से बेहतर है, हज़ारों रुपये खर्च करने से बेहतर है आप किसी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लें, और वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आप लोगों को मॉइस्चराइज़र भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र जो है यूज़ कर सकते हैं जिसको आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वाकई आपको ऑथेंटिक रिज़ल्ट देते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो इसको लेने से बेहतर है कि आप कैरेटिन ट्रीटमेंट ही करा लें, क्योंकि कैरेटिन के नाम पे ना थक पाए। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं इन फ्यूचर भी आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोज़ का इंट्रोड्यूस करती रहूँगी, बताती रहूँगी कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इन प्रोडक्ट्स का मैंने आप लोगों को रिव्यू कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।